दोस्तों, जर्नी इन नेचर व्लॉग्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सामने कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, कितना अद्भुत नज़ारा, प्रकृति का अद्भुत दर्शन हो रहा है। दोस्तों, ये दृश्य डांग जिले के मासली गांव का है। मासली गांव में से ये नदी बह रही है, उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब हम जंगल में नदी के करीब आते हैं और नदी का पानी बहता हुआ देखते हैं तो हमारे मन को सुकून मिलता है। सामने देखो, ब्रिज दिखाई दे रहा है। इसी ब्रिज से हम आए हैं, यहाँ से ही, इसी ब्रिज से ही हम मिलन वाटरफॉल की तरफ जा सकते हैं। ये दृश्य मिलन वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक का है। यहाँ से मिलन वाटरफॉल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जर्नी इन नेचर व्लॉग्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कितना सुंदर माहौल। दोस्तों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, प्रकृति हमें प्रेरणा देती है, प्रकृति हमें सिखाती है कैसे चुपचाप आगे बढ़ते रहना और अपने आप में मस्त रहना। कितना सुंदर दृश्य। यहाँ की हवा एकदम शुद्ध होती है, पूरे दिन ऐसे वातावरण में रहने से हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। दोस्तों, यहाँ सावन में बारिश तो बरसती ही है, साथ में खूबसूरती भी बरसती है, बहारें भी बरसती है। कितना सुंदर दृश्य। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के झरने हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। सामने काले बादल दिखाई दे रहे हैं, जो प्रकृति की और भी सुंदर बनाते हैं। कितना सुंदर दृश्य। यह है गुजरात के डांग जिले की खूबसूरती। वाव, अमेजिंग। कितना सुंदर झरना। मेरा भाई अरुण, भरत भाई और मानव प्रकृति में आनंद लेते हुए। दोस्तों, सितारे बदल जाते हैं सोच बदलने से, नज़ारे बदल जाते हैं नज़र बदलने से। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, किनारे बदल जाते हैं दिशा बदलने से। दोस्तों, जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है।
ये पत्थर, इतना सुंदर दृश्य। ये मासली गांव सूरत से 106 किलोमीटर की दूरी पे है। डांग जिले के मुख्य मथक आहवा से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और सापुतारा से 71 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, यहाँ पे हम प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम आए तो प्रकृति के बीच हम शांति से ड्राइविंग करते हुए आए हैं। प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए हम आए हैं। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जल और समय का महत्व बस उन्हें ही पता चलता है जिनके पास इनकी कमी होती है। वाव, अमेजिंग झरना। दोस्तों, जीवन में कभी कठोर ना बने, क्योंकि पत्थर पानी को बस रोक सकता है लेकिन पानी पत्थर को तोड़ सकता है। अद्भुत अकल्पनीय नजारा सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, नदी के किनारे जाकर दूर दूर तक नदी का नजारा देखने से हमारे मन को बड़ा सुकून मिलता है। कितना सुंदर वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। सामने काले बादल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये प्रकृति अनमोल है। यहाँ की हवा सरसराहट हमें आनंदित करती है।